हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइज, आज डेट है 29 ऑफ जून एंड डे है थर्सडे। और यहाँ पे ईद हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं। नॉट ओनली ईद हॉलीडेज बट यहाँ पे स्कूल्स में समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई मॉर्निंग टू नाइट रूटीन इन ईद हॉलीडेज और समर वेकेशन। एंड इट्स अ मॉर्निंग टाइम, तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही थी बीट रूट परांठा। समटाइम मैं बीट रूट का चिला भी बना लेती हूँ, बट आज परांठा बना रही थी। एंड श्रेयांश और हस्बैंड दोनों को ही बीट रूट का परांठा बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बीट रूट परांठा बनाने के लिए मैंने बीट रूट को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। एंड ग्रेट करके उसको आटे में ऐड करके उसको अच्छे से नीट कर लिया था, जैसे हम मेन परांठे के लिए आटा लगाते हैं या रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस टाइप से। यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई थी एंड परांठे भी रेडी थे। A few moments later. So guys, after breakfast and cleaning, मैं यहाँ पर बना रही थी lunch. And lunch पर मैंने आज बनाई थी broccoli की सब्जी and broccoli की सब्जी and साथ में चपाती। सो गाइस, यहाँ पे सिंपल सा हमारा लंच बनके रेडी हो चुका था और अभी हम लोग करने लगे थे लंच। चपाती, ब्रोकली एंड सैलेड था साथ में, और साथ में लस्सी थी विद पिकल एंड शेजवान चटनी। सो गाइस, लंच हमारा हो चुका है, किचन भी क्लीन हो गया है, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं। और यहाँ पे श्रेयांश ने रखा है मैंगो एंड वो अभी मैंगो खाएगा, उसको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी गर्मी का सीज़न है तो मैंगो तो बनते हैं, राइट। एंड यहाँ पे श्रेयांश बार बार आगे आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। A few moments later. So guys, अभी टाइम हो गया है इवनिंग के 5:30 के अराउंड और मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई थी। और चाय के साथ मैं बना रही थी पकोड़े, प्याज के पकोड़े एंड सिंपल जैसे बनाए जाते हैं वैसे ही बनाए, बेसन में थोड़ा सा प्याज वगैरह ऐड करके एंड उसमें बेसिक मसाले लाइक सॉल्ट और चिली पाउडर, बस यही ऐड किया था मैंने। और उसके बाद पकोड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म।
2000 years later. So guys, now we are in अलवादा सिटी सेंटर एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे थे वीकेंड के भी और ईद के भी ऑफर चल रहे थे. तो मैं स्पेशली यहाँ पे आई थी बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे क्योंकि वहाँ पे 25% to 75% तक ऑफ था ऑन ऑल आइटम्स. सो देखते हैं वहाँ पे क्या है. एंड ये जो बाथ एंड बॉडी वर्क का स्टोर है अलवादा सिटी सेंटर में, इसका टूर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. चलो उच्चो, ये देखो पिजन उड़े नहीं रहा, कमाल है यार. जितना हो सकेगा उतना ट्राई कर दे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे. बातें बहुत आती है तेरे को ना, यहाँ कौन सा ब्रांड फॉलेस कहाँ आ गया एयरपोर्ट पे. बस सोच ले, फीलिंग ले ले, जा रहा हूँ मैं. कुछ ये इसका ये सब यहाँ पे एंड यहाँ पे है स्मार्ट बेबी. सी स्मार्ट बेबीज, बेबीज के हैं सारे के सारे. सो गाइज़ यहाँ पे हम आ गए हैं पिज़्ज़ा हट में और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया है एक पिज़्ज़ा बिकॉज श्रेयांश का मन था पिज़्ज़ा खाने का एंड सिर्फ श्रेयांश और हस्बैंड ने खाया, मैंने नहीं खाया यहाँ पे पिज़्ज़ा. A few moments later. So guys, अभी हम लोग पहुँच गए थे घर एंड घर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी. और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से क्या शॉपिंग की है. तो सबसे पहले मैंने एक ये सेट लिया है जिसमें है शॉर्ट जेल, बॉडी लोशन एंड बॉडी मिस्ट. सो गाइस, इस सेट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 90 दिरहम बट मुझे ये मिला है 79 दिरहम में. एंड दूसरा मैंने एक और लिया है लोशन एंड ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एरोमाथेरेपी कोजी सिनेमम एंड सैंडलवुड मॉइस्चराइजिंग लोशन. एंड इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंसेस थी बट आई चूज दिस वन बिकॉज मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ना ही ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग थी, माइल्ड फ्रेगरेंस थी इसकी.